हाय दोस्तों, हम अभी आ गए हैं असम का और बांग्लादेश और मेघालय का, समझ लीजिए बॉर्डर है, कॉम्बो है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पूरा वादियाँ है। इस वादियाँ में हम लोग यहाँ पे आपको कहीं भी सोलर नहीं दिखेगा। एक छोटा मोटा सोलर लगा हुआ दिखेगा, लेकिन आपको बड़ा सोलर कहीं भी दिखेगा नहीं। ये बड़ा वाला प्लांट हम लोग पहली बार यहाँ हिम्मत करके लगाने आए हैं, और बिहार से, मुजफ्फरपुर से हम लोग यहाँ आए हैं सोलर लगाने के लिए। और ये सक्सेसफुली हमने एक दिन में पूरा कर भी दिखाया है, रात तक ले सोलर लगाया। क्योंकि यहाँ बारिश का दबाव रहता है, बारिश कभी भी आ सकती है, देख रहे हैं पानी है, तो इसलिए हमने रहते रहते पूरा को सेटअप कर डाला एक दिन में। और यहाँ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमने कैसे कैसे ये पूरा 5 किलोवाट का जो सोलर सेटअप है वो पूरा इंस्टॉल किया है। ये जो सोलर पैनल है ये 445 वाट का विक्रम का हाफ कट है। जैसा मैंने आपको बताया था कि विक्रम का जो हाफ कट है सबसे, मतलब हाफ कट में सबसे बेस्ट सोलर पैनल है। इसका जो सेल भी जो यूज किया हुआ है वो 6th जनरेशन वाला सेल यूज किया है, जो लूम सोलर में आता है, वाली सोलर में आता है। मतलब कि 445 वाट का जो सीरीज है, जितना भी कंपनी का जो सीरीज सोलर सेल वाला है उसमें सबसे बेस्ट आपको ये वाला मिलेगा। ये मैंने प्रूव कर दिया है, और अभी भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ जो सोलर इन्वर्टर लगाया है वो भी नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो नया निकला है, सेलकोनी का गैलेक्सी 5 किलोवाट में 6G वाला गैलेक्सी वो वाला लगाया है। और यहाँ पे 8 बैटरी दिया है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री रन करने वाले, बर्फ फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का पूरा इक्विपमेंट रन करने वाले हैं, इसलिए बैकअप ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 8 बैटरी लगाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको रन होते हुए, पूरा इंस्टॉल होते हुए आप देख पाइएगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए। और नमस्कार, मेरा नाम है रविंदर यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकन सोलर एनर्जी। और हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं या मेरे से इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है आपको नीचे मिल जाएगा, और लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके लास्ट में आपको मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने भी ऐसे ही संपर्क किया था, और इनका रिव्यू भी लिए हैं कि हमने इनको कैसे सर्विस दिया है, और जिस वजह से हमको मुजफ्फरपुर बिहार से यहाँ बुलाए हैं वो फुलफिल मैंने इनको करके दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि लोकल में इनको आदमी मिल रहा था, लेकिन हमको बुलाए हैं बिहार से। दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन टीम है और हमारा अब फ्रेंचाइज भी है। हम बहुत सारे कंपनी से जुड़े हैं, जैसे कि इप्रो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है मेरे पास, बैटरी इन्वर्टर सोलर सारे कुछ इप्रो का रखते हैं, ये लीड वार्डली फास्ट का रखते हैं, ये विक्रम का मेरे पास फ्रेंचाइज है, वाडी का फ्रेंचाइज है, लुमिनस का फ्रेंचाइज है, उसके बाद UTL का फ्रेंचाइज है, और इन सारी कंपनियों का हम पूरे बिहार में सर्विस भी देते हैं। सर्विस मीन्स इंस्टॉलेशन का सर्विस, उस तरह का सर्विस तो कंपनी खुद देती है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका सर्विस तो आपको कंपनी में कंप्लेंट करना पड़ेगा, तो उनका अपना सर्विस टीम रहता है। लेकिन जहाँ भी सोलर इंस्टॉल नया लगता है वहाँ हम ही लोग जाते हैं इंस्टॉल करने के लिए। लूमिनस हो गया, या UTL हो गया, या लिवगार्ड लिफास्ट हो गया, मोस्टली मतलब जाते हैं। कोई कोई और लोग भी होगा जो जाते होंगे, लेकिन मोस्टली हम लोग खास करके मुजफ्फरपुर एरिया का पूरा काम तो हम ही लोग देखते हैं। और हम खुद अपना मेरा जो सेटअप है, अगर आप हमसे लगवाना चाहते हैं तो हम तो पूरे आउट ऑफ बिहार भी करते हैं, मतलब बिहार के अलावा भी करते हैं। बिहार में अगर आप आदमी हैं, बिहार से अगर हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो बिहार में हम एक सोलर पैनल लगाने के लिए भी किसी भी कोने में जा सकते हैं। लेकिन बिहार के बाहर हम लोग 5 किलोवाट से नीचे का सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं करने जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बचता नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ही बहुत ज़्यादा लंबा सफर हो जाता है, उसमें खर्चा हो जाता है। ये सब देखते हुए हम लोग 5 किलोवाट से नीचे का सोलर सेटअप हम लगाने के लिए जनरली हम कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन अगर इनकेस अगर आपको हमसे ही लगवाना है, अगर 3 किलोवाट का है, 4 किलोवाट का है, 5 किलोवाट का, हम ही से लगवाना है, तो हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम लगा के देंगे ऐसा। और हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं हम लोग एकदम साइट पे जा करके उस साइट का जो रियलिटी है, कस्टमर को संतुष्ट करने के बाद जो रियलिटी है हम लोग वही दिखाते हैं। आपको हम कभी छल नहीं करेंगे आपसे, जो भी बात होगा आपको रियलिटी मिलेगा। तो आप उनसे अगर आपको हम पे ट्रस्ट आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं लगाने के लिए। आपको हम पूरा सर्विस देते हैं, लगा करके संतुष्ट करके देते हैं, चाहे वो बिहार में हो या बिहार के बाहर हो। कुछ लोग का कमेंट आता है कि सर आप इस कितना रुपए वाट सोलर पैनल लगाते हैं, या इंस्टॉलेशन का कॉस्ट कितना आया, टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आया है, आप बताते नहीं हैं। हम इसलिए नहीं बताते हैं कि हर जगह के अनुसार, हर प्लेस के अनुसार, हर डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, हर स्टेट के अनुसार वो प्राइस वेरी होता है, ठीक है। तो वैसे तो सबका प्राइस लगभग कंपेरेटिवली सेम ही रहता है, लेकिन मतलब डिस्टेंस वाइज और स्टेट वाइज प्राइस वेरी होता है, इसलिए हम लोग नहीं बताते हैं। जैसे कि यहीं का कॉस्ट इनको पड़ा है लगभग, टोटल कॉस्ट पड़ गया लगभग 4 लाख रुपये पड़ गया है, लेकिन इसमें 8 बैटरी लगाए हैं तो इसलिए 4 बैटरी का कॉस्ट ज़्यादा पड़ गया है, तो लगभग 4.5 लाख हो गया है। तो इसीलिए हम लोग अगर यहाँ का कॉस्ट बता देंगे 4.5 लाख पड़ा है, तो आप लोग सोचिएगा कि 5 किलोवाट लगाने में 4.5 लाख कॉस्ट पड़ गया है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या लगा है उसके वजह से उतना कॉस्ट पड़ा है
तो ये इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए हम लोग नहीं बताते हैं। तो अगर आप लोग जाना है तो हमको फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट पड़ेगा, आपके यहाँ जो सोलर लगना है उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा, आप लोग हम कॉन्टैक्ट करके आप लोग पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इसके VOC के बारे में, IAC के बारे में कुछ बात नहीं करने वाले हैं, चूँकि जब आप परफॉर्मेंस देख लीजिएगा आपको IAC VOC सब भूल जाइएगा, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं कि इसका VOC क्या है, IAC क्या है, क्या है मतलब क्या परफॉर्मेंस देता है, और मीटर में टेस्टिंग करके दिखा चुके हैं। लेकिन अब हमको सिर्फ आपको हम लोड चला के दिखा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर 14 पैनल लगाए हैं, 6 किलोवाट का सोलर लगा है, तो अगर जब पूरा हाई एफिशिएंसी में अगर लोड चलेगा तो उस टाइम पर कितना प्रोडक्शन देगा। 5.5 किलोवाट का प्रोडक्शन दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंस्टॉलेशन। इस इंस्टॉलेशन में यहाँ पे ध्यान रखना है सोलर इंस्टॉलेशन का। सोलर इंस्टॉलेशन चूँकि यहाँ विंड पावर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है, तो इसके वजह से यहाँ पे मजबूती का खास ध्यान रखा है और पूरा सिविल वर्क करके इस पर स्टैंड लगाया है, और वो भी पूरा एंगल का। और यहाँ जो बैटरी है वो एक साइड का ट्यूबलेट बैटरी है 150 mAh वाला, और फुल्ली 5 ईयर वारंटी वाला है। चूँकि यहाँ पे स्पेस कम है इसीलिए बैटरी के अच्छे से रख रखाव के लिए यहाँ पे बैटरी का स्टैंड बना दिया है, और उस बैटरी को अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं प्लस माइनस के थ्रू, ताकि वायर भी छोटा ही रहता है तो इसलिए वायर भी आराम से पहुँच सके, इसलिए प्लस माइनस को अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रिप, ये है अर्थिंग का 2 और 1 लाइटिंग रेस्टर का। तो एक लाइटिंग रेस्टर के साथ अर्थिंग आएगा और एक इन्वर्टर के लिए, तो ये टोटल कॉपर कोटेड है। यहाँ पर मैं इनको बोल रहा हूँ होल कर गड्ढा करने के लिए, और यहीं पे हम इन्वर्टर का अर्थिंग करेंगे, क्योंकि हमको इन्वर्टर का तार हमको इसी होके लेके जाना है। ऊपर से ऐसा ही इन्वर्टर का तार आएगा और इसी होके जो दिख रहा है होल आपको दिख रहा है वाला सामने वाला, इसी होके ऐसे तार जाएगा इन्वर्टर का, इसी अंदर में इन्वर्टर लग रहा है। तो हम इनको बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनका अपना ज़मीन है यहाँ पर गड्ढा करने के लिए, क्योंकि इधर में ज़मीन है नहीं इनका, तो यही इनका ज़मीन बचा हुआ है इधर में, यहाँ पर गड्ढा करवा रहे हैं। और जो बचेगा लाइटिंग रेस्टर का, तो उसका गड्ढा हम वहाँ करवाएंगे, फिर उसका अर्थिंग भी वहीं पर करवाएंगे, ताकि वहीं से इनका जो छत है ये ऊपर में इस पर उनका लग जाएगा। तो दो जगह और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस भी लगभग मतलब 20 फीट का तो हो ही जाएगा, 15 फीट का रहना चाहिए, तो 15 फीट का डिस्टेंस हो जाएगा दोनों अर्थिंग के बीच में। और यहाँ पर पानी का तो कोई समस्या ही नहीं है, अभी भी बारिश हो रहा था, देख रहे हर जगह पानी है। मेघालय है तो मेघ तो रहेगा ही, वो पूरा पहाड़ है। और एक और अर्थिंग जो इनका जो चप्पाकल दिख रहा है, चप्पाकल इनका टेम्प्ररी था जो मतलब यहाँ से अब हटा दिए हैं, तो उस चप्पाकल से हम इसको एक बॉडी अर्थ लेंगे इनके घर के लिए। और ये बाकी हम 2 अर्थिंग कर रहे हैं, एक ये इन्वर्टर के लिए और वो लाइटिंग रेस्टर के लिए यहाँ पे अर्थिंग करवा रहे हैं। इस अर्थिंग में यही मतलब खासियत है कि एक तो इसमें जंग नहीं लगता है और ये जल्दी से मतलब कि हल भी जाता है, इसमें कोई परेशानी भी नहीं होती है, मतलब थोड़ा सा गड्ढा करने वाले इसको धसाया जा सकता है। ये वाला पहला अर्थिंग है और वो वाला दूसरा अर्थिंग। यहाँ पे पावर बैकअप ज़्यादा चाहिए, लग तो रहा है गैलेक्सी 6G है 5 किलोवाट वाला, लेकिन पावर बैकअप चाहिए, क्योंकि यहाँ आइस फैक्ट्री है। वो जो देख रहे हैं वो वाला आइस मशीन है, आइस फैक्ट्री, यहाँ पर बर्फ़ बनता है, तो पावर बैकअप चाहिए, क्योंकि फ्रिज चार्जर को फ्रिज चलेगा पूरी रात के बस, और जो कंडेंसर है कंप्रेसर वो भी चलेगा एक कम से कम, इसलिए बैकअप के लिए हम लोग 8 बैटरी लगवा रहे हैं। और एक्साइट का है टोटल 150 mAh वाला, और तो इसका कनेक्शन चूँकि ये जो वायर होता है ये हल्का छोटा आता है, ये जो वायर है हल्का छोटा होता है, तो इसलिए हम इसका पहले बैटरी का इधर प्लस रख लिए, फिर दूसरी बैटरी का उधर पलट करके उल्टा कर दिए, फिर इस तरह से इसको सीरीज किया है। नीचे में हमारा हो गया 48 वोल्ट, ऊपर में भी हो गया हमारा 48 वोल्ट, ठीक है। चूँकि हमारा इन्वर्टर 48 वोल्ट का है, तो अब इसको हम इसके साथ पैरेलल कर रहे हैं, मतलब इसका जो निगेटिव पॉइंट जो यहाँ पे छोड़े हैं उसका निगेटिव पॉइंट हम यहाँ जो इन्वर्टर का जो जोड़े हैं ये वाला में, उसके साथ हम उसको हम प्लस कर रहे हैं, समझ गए, मतलब इसका निगेटिव इसके साथ जोड़ दिए। और यहाँ जो हम प्लस जोड़े हैं, प्लस जो छोड़े थे यहाँ पर, ये देखिए प्लस, इस प्लस को हम इसके प्लस पर हम यहाँ डाल देंगे, समझ गए, यहाँ पर डालेंगे, तो हमारा मतलब इससे ये बैटरी क्या हो गया, पैरेलल हो गया, मतलब हमारा वोल्टेज वही रह गया 48 वोल्ट ही रह गया, एम्पियर हो गया 300। हमारा बैटरी का सेटअप हो चुका है, अब हम इन्वर्टर को हैंग करने जा रहे हैं, और इन्वर्टर के साथ जो AC DC बॉक्स आता है उसका, और पूरा बाकी वायरिंग करेंगे, क्योंकि पहले हमको सोलर पैनल से ज़्यादा हमको इन्वर्टर का सेटअप ज़रूरी है। इन्वर्टर एक बार सेटअप हो गया तो फिर पैनल को कनेक्ट करेंगे और फिर उसको सीधे वायर लगा कर इसमें डालेंगे और चालू कर देंगे।
तो फास्ट काम करने का ये मेरा तरीका है कि हम लोग पहले बैटरी का सेटअप कर लेते हैं, लोड डाल देते हैं, उसके बाद पैनल इंस्टॉल करते हुए और उसमें पैनल को वायर जो है इन्वर्टर में डाले और चालू कर दिए। ये हमारा सिस्टम है और इसी तरह से हम लोग फास्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इन्वर्टर हैंग हो गया है सक्सेसफुली, क्योंकि इन्वर्टर के हैंग करने में हम लोग को ध्यान देना रहता है, खास करके फास्टनट का। फास्टनट अगर प्रॉपरली टाइट हो गया तो फिर आपका इन्वर्टर अच्छे से हैंग हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ की बात है, और अच्छे से अगर हैंग नहीं होगा तो गिरने का भी डर रहता है। तो इसीलिए आपको फास्टनट को अच्छे से टाइट करना है, और फिर उसके बाद उसको हैंग करने के बाद कि बैटरी वायर छोटा ना पड़ जाए, और यही खास ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है अगर आप नापी से अगर नहीं उसका ड्रिल कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका हैंग होने के बाद बैटरी वायर छोटा पड़ जाए। तो हमने उसी तरह से पहले बैटरी को रखने के बाद हमने उसको हैंग किया है, ये ना कि पहले हैंग कर लिया उसके बाद बैटरी रखा है। पहले आप बैटरी रख लीजिए, उसके बाद उसकी ऊँचाई से उसको नापिए कि आपका बैटरी वायर कहाँ तक पहुँच सकता है, उसके बाद उस इन्वर्टर को हैंग कर लीजिए। उसके बाद फिर उसके बाजू में एसी डीसी बॉक्स लगाना है, क्योंकि डीसी पॉइंट तो अभी डायरेक्ट इन्वर्टर में लगता है, तो सिर्फ एसी पॉइंट लगाना है हमको, बाहर में एसी बॉक्स ही लगाना है। और अभी हम सोलर पैनल को भी हैंग कर लेते हैं। सोलर पैनल में हमको हैंग करने में दिक्कत ये आ रही थी कि इन्होंने पहले से ही ये जो स्ट्रक्चर है उसको सिविल वर्क करके फिट कर रखा था, और उसमें स्ट्रक्चर में कहीं कहीं होल था, उसी होल के थ्रू हमको पैनल में होल मारना था और फिर उसको नट वो लगा के टाइट करना था। तो हमको ज़्यादा डिफिकल्टी यहीं पे आई है, तो चूंकि अगर थोड़ा सा भी गलती होता था पैनल को आर पार हो जाता ड्रिल मशीन, तो इसलिए हम लोग लकड़ी के सहारे से अंदर में डाल करके उसको रोक रहे थे, और फिर उससे हम उसको फिर होल करने के बाद उसको टाइट कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं पर आया। उसके बाद हमने उसको प्रॉपरली अच्छे से कट डाला और फिर उसको हम वायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वायरिंग में तो हमको ज़्यादा डिफिकल्टी आई नहीं, क्योंकि अपना जो इन्वर्टर है वो डबल एमपीपीटी है और यहाँ पर टोटल 14 पैनल लगा था, तो हमने साथ साथ का सीरीज कर डाला। अपना जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर का जो VOC है मैक्सिमम VOC 500 है। अगर हम उसमें 10 पैनल भी कनेक्ट करते तो अपना 500 VOC मैच कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप मात्र 10 पैनल ही लगा रहे हैं, आपके पास 10 पैनल ही लगा है, तो उसको आप टोटल के टोटल सीरीज में कर डालिए। और ये नियम सिर्फ इसी इन्वर्टर में नहीं, हर इन्वर्टर में यही नियम लगता है, ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज उसको मिल सके, ताकि किसी भी मौसम में उसका वोल्टेज कितना भी ड्रॉप क्यों ना हो जाए आपका इन्वर्टर बंद ना हो और आपका प्रोडक्शन मिलता रहे, यही मीटर लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने इस यहाँ कर डाला है, मतलब जितना ज़्यादा इसको मैक्सिमम व्यू से उसको दे सकते थे हमने दे दिया है। अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग कल रात को ही पूरा सोलर को फिट कर लिया था। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये लोग खुद से ही करके रखे हुए थे, और थोड़ा हाइट पे इनको चाहिए था, छत के ऊपर से चाहिए था, तो ये सिविल वर्क करके और उस पर ये रॉड एंगल जो है वो डाल रखे थे उन्होंने, और उसमें कहीं कहीं होल था, उस होल को मैच करते हुए हमको उसमें पैनल में होल कर करके और हमको नट बोल्ट लगाना था। तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया, चूँकि 14 पैनल्स है और उसमें हमको थोड़ा टाइम लग गया। तो पूरा एक दिन में ही मेरा रिकॉर्ड रहा है कि पूरा एक दिन में ही मैंने पूरा 5 किलोवाट का इतने हाइट पे ऐसा सोलर मैंने लगा लिया, प्लस सोलर इन्वर्टर सब कुछ चालू कर भी दिया, गैलेक्सी वाला बैटरी लगाने के साथ सब कुछ चालू कर दिया। बस लोड टेस्ट नहीं हो पाया कि चूँकि रात हो गया था, इसलिए हमको आज हम रुकना पड़ा, और हमने पूरा के अच्छे तरह से बढ़िया से सेटअप कर लिया, इसको कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ा है, सारे के सारे होल मैंने मार्किंग करके लगा लिया है। और चूँकि इसमें स्ट्रेंथ का ध्यान देना था इसलिए इसमें होल ज़्यादा था, जैसे कि एक इस लाइन में 3, फिर वहाँ पे 2, फिर उस लाइन में 3, इस तरह से होल मारना था, तो टाइम लग गया। मतलब सोच समझ सकते हैं कि 14 पैनल है और उसमें हमको 8 होल मारना पड़ा, मतलब एक पैनल में 8 होल मारना पड़ा, तो 14 पैनल है, सोच लीजिए इतना सारा होल मार करके हमको अभी पैनल में होल मारना है, थोड़ा ध्यान से होल मारना था, इसलिए हम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया। और यहाँ वारंटी का कोई इशू नहीं है, चूँकि पैनल में होल के बिना हम यहाँ टाइट ही नहीं कर सकते थे, उनको बोले थे कि वारंटी एक्सपायर हो जाता है पैनल में होल मारने से, तो उनका कहना था कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही ऑप्शन ही है यहाँ पर, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। और आज अभी हम इसका लोड टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं सर्द मौसम है, यहाँ हमेशा बारिश ही होता रहता है। हम मेघालय में हैं, मेघालय और आसाम के बॉर्डर ही समझ लिए, मेघालय से होते हुए हम लोग आसाम में आए हैं, पहले आसाम से निकले फिर मेघालय में गए, मेघालय से फिर हम लोग आसाम में आए हैं, ये जस्ट बॉर्डर ही है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा बारिश ही होता रहता है, देख रहे अभी भी बारिश हो रहा है हर जगह, कल रात भी बारिश हुआ,
इसलिए हम लोग हमको यहाँ बहुत जोर का झटका आता है, यानी कि आंधी तूफान वाला, इसलिए हमको रातें रात इसको पूरा सेट करना पड़ा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम जो भी वायरिंग किए हैं, यहाँ मतलब टोटल 14 पैनल है इस रो में, पूरा 7 पैनल है, और फिर नेक्स्ट रो में वो टोटल 7 पैनल है। और यहाँ हमारा जो इन्वर्टर है उसका जो VOC 125 से 500 है, और मैक्सिमम 450 रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हैं, लेकिन 450 रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे भी हमारा जो इन्वर्टर है वो डबल MPT है, तो हमको 4 वायर लेके जाना ही था, इसलिए इस रो को हम एक साथ में सीरीज में कर दिए 7ों का, और फिर इस रो का एक साथ सीरीज कर दिए 7 का, और यहाँ से इसका प्लस निकाले, और इस रो का प्लस हम यहाँ से निकाल के ले गए, ठीक है, और दोनों का माइनस, एक का माइनस वहाँ से ले लिए, दूसरे का माइनस वहाँ से ले लिए, और इसका पूरा कर पूरा हम 4 वायर लेके गए नीचे में, उसको हम इन्वर्टर में PV1 PV2 में जोड़ लिए हैं बस। अब वहाँ अब देखिए अभी टाइम हो गया है लगभग 6:30 बज रहा है, अभी धूप तो खैर है ही नहीं, पूरा धुंध लगा हुआ है, लेकिन देखते हैं प्रोडक्शन ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम इन्वर्टर के पास आ गए, इन्वर्टर में देख रहे हैं हमारा कल रात जो ऑन करके रखा था जितना पे, वो भी ऑन है, और DC स्विच ऑन हो गया है, तो देखते हैं कितना पावर भी जनरेट कर रहा है। तो पावर जो है लगभग जनरेशन तो शुरू है, टच में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा दोनों स्ट्रिंग से इक्वल पावर मिल रहा है, इक्वल पावर मीन्स इस स्ट्रिंग से भी और दूसरे वाला स्ट्रिंग से भी हमको लगभग इक्वल पावर मिल रहा है, और टोटल पावर हमको यहाँ पर लगभग 250 वाट जनरेट करके दे रहा है, 250 वाट हमको जनरेशन करके दे रहा है, और डायरेक्टली बैटरी को चार्ज कर रहा है। ओके, हमारा चार्जिंग ऑन है, बैटरी का चार्जिंग शुरू कर दिया है, अभी लोड हम कुछ नहीं डाले हैं, बट स्मार्ट लोड ऑन है, लोड नहीं डाले हैं, और ग्रिड को तो ऑफ करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड कनेक्शन ऐसे इनका कहना है कि नहीं देना है, लेकिन हम टेम्प्ररी दे के रखेंगे इमरजेंसी पीरियड के लिए। तो अभी यहाँ 7:45 हो गया है, लेकिन धुंध है और अंधेरा है, धुंध है, और जस्ट बादल छाया हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन ऑन है। तो ये समझ सकते हैं कि अगर आप मोनो पैनल लगाते हैं तो आपका प्रोडक्शन सुबह से ही ऑन हो जाता है। हम फिर से ऊपर आ गए हैं, और हम अब बस ये बताना चाहते हैं कि मोनो पैनल में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर मोनो पैनल के साथ जाते हैं, तो आपको सुबह से ही प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाता है, जो कि पॉली पैनल के साथ नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। मोनो पैनल में यही बेनिफिट्स है। और एक बात और, हम लोग अभी अगर मेघालय आ सकते हैं तो मतलब इंडिया के किसी भी कोने में जाके हम लोग सोलर लगा सकते हैं, हमारे लिए स्टेट, हमारे लिए डिस्टेंस बैरियर नहीं है, इसलिए आप कहीं से भी हमसे ऑर्डर कर सकते हैं और हमसे सोलर लगवा सकते हैं, बस अच्छा काम करके देने का मेरी गारंटी है, और संतुष्ट करके देने की काम मेरी गारंटी है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस है, दूरी रहेगा तो टाइम लगेगा, लेकिन आएंगे ज़रूर और काम करके देंगे आप लोगों को। हम इन्वर्टर तो ऑन कर चुके हैं, सोलर का प्रोडक्शन तो ऑन हो गया, लेकिन अभी लोड नहीं डाले हैं, और प्लस हमारा जो वाईफाई का कनेक्टिविटी है वो भी नहीं हुआ है, तो हम पहले वाईफाई का कनेक्टिविटी कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, आप वाईफाई का जो डोंगल दिया है उसको आप उसके वहाँ पर टाइट कर लीजिए बढ़िया से, और टाइट करने के ध्यान हमको ध्यान रखना है कि वो लूज ना हो, क्योंकि वो उसका नॉब जो बना रहता है वो अपने आप उसमें फंस जाता है। तो पहले प्रॉपर तरीके से उसमें प्रेस करेंगे, उसका डोंगल खोलिए, अब उसको हम प्रेस करेंगे, प्रेस करें उसमें फंस गया, अब उसका जो दोनों तरफ से जो जगह खाली है नट बोल्ट का, उसमें हम उसको स्क्रू लगा देंगे। तो स्क्रू को भी बढ़िया से टाइट कर देना है, ताकि फिर, क्योंकि एक बार लग गया तो फिर वो खुलेगा नहीं, क्योंकि इसमें नेट की कनेक्टिविटी भी देनी होती है, तो उसको हम पहले बढ़िया से टाइट कर रहे हैं। टाइट करने के बाद देखिए यहाँ पे दोनों लाइट जल गया है, मतलब ये डोंगल जो है अब काम करना शुरू कर दिया, बट इसमें अभी नेट की कनेक्टिविटी नहीं हुई है, तो उसका एक सेटिंग होता है, उस सेटिंग के थ्रू हम लोग इसका कनेक्टिविटी करेंगे। और अब थोड़ा SDC बॉक्स का कुछ काम बाकी रह गया था, ये हो गया वोल्टेज प्रोटेक्टर। इस सर्ज प्रोटेक्टर का जस्ट इतना सा काम है कि अगर 170 से नीचे वोल्टेज होगा या 270 से आगे होगा तो बाईपास नहीं करेगा। और यहाँ पे हम लाइटिंग रेस्टर का फिटिंग कर रहे हैं, लाइटिंग रेस्टर को भी अच्छे से टाइट कर लेना है, और इस ये जो लाइटिंग रेस्टर दिए हैं ये 3 फीट का
लाइटिंग रेस्टर है, और इसका जो वायर यूज करेंगे वो पूरा कॉपर वायर यूज करेंगे। जब लॉग इन कर लिए, रजिस्टर करने के बाद वेरिफिकेशन हो गया, मेल पे ओटीपी आ गया, वो डालने के बाद पासवर्ड बना लिए। पासवर्ड बना लेने के बाद जब ये आ जाता है तो उसमें क्या करना है आपको, ऐड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाइल यूजिंग ऐप, मतलब लोकेशन ऑन करने के लिए इसको ऑन कीजिए। यहाँ पे आपको नो करना है। क्या बोल रहा है, डियर ओनर डू यू हैव एन इंस्टॉलर, डू यू अपना कोई, बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे हमको नहीं करना है, नो करना है। उसके बाद क्रिएट, अब क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपका लोकेशन फाइंड करेगा, लोकेशन फाइंड करेगा। तो अब अपना कोई जो ये लोकेशन है साइट का, वो लोकेशन आप इसको सिलेक्ट कीजिए, लोकेशन डालिए। तो इसी लोकेशन को हमको सिलेक्ट करना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये फाइंड करने लगा, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अब इसको हम करेंगे नेक्स्ट। अब हमको डालना है क्या, प्लांट नेम। यहाँ आप जो नेम है वो नेम डालिए। हाँ। आपके फैक्ट्री का क्या नाम है, वो फैक्ट्री का नाम डाल दीजिए। हो गया। अब नीचे में देखिए, नीचे में बोल रहा है कि टाइप ऑफ प्लांट, ऊपर रेजिडेंशियल, हाँ टिपी टिपी उसको, हाँ उसको टच कीजिए। उसमें आपको कमर्शियल यूज के लिए लेना है कि किस यूज के लेना है, कमर्शियल यूज के लिए लेना है तो टच कीजिए उसको। हाँ हो गया। अब उसके नीचे क्या है, सिस्टम टाइप सेलेक्ट कीजिए उसको। हाँ उसमें क्या है, सेल्फ कंजम्पशन है, सेल्फ आप खुद यूज कीजिएगा, मतलब उसको कलेक्ट कीजिए। हाँ yes. अब यस हो गया, आगे बढ़िए। अब कैपेसिटी डालिए, कैपेसिटी जो भी कैपेसिटी है, नहीं कैपेसिटी 6 किलोवाट डाले हैं ना आपने, नहीं 5 6 डालिए। हो गया हो गया, अब हो गया। डेट तो आज का है ही, मैच हो रहा है सब। आप सीधा ओके कर दीजिए, डन कर दीजिए। अब कुछ मत कीजिएगा, अब अपने आ जाएगा। हो गया। अब ऐड लॉगर कीजिए, गो टू ऐड लॉगर। हो गया, चला गया। अब थोड़ा टाइम लेगा। अब इसमें क्या करना है, आपको स्कैन करना है। इसमें करना क्या है, या तो उसको स्कैन कर लीजिए, या उसको उसका जो नंबर है वो डाल दीजिए, जो नंबर डालिए। स्पेस नहीं दीजिएगा, 233648 2360 सर्च कीजिए, ऐड कीजिए। हाँ ऐड कीजिए ना, गलत होगा तो नहीं लेगा। अभी डन करें? हाँ डन कीजिए, गलत होगा तो नहीं लेगा। हाँ डालिए, गो वाईफाई सेटिंग, लोकेशन ऑन कीजिए। हाँ बैक लीजिए, हाँ गो कॉन्फ़िगरेशन, ये हो रहा नहीं ले। स्विच नेटवर्क करने के बाद वाईफाई ऑन किए, पहले हाँ नहीं, पहले आपका ये वाला वाईफाई ऑन गया, ठीक है, इसको ऑन किए। इसका पासवर्ड यहाँ पे है ना अवेलेबल, यहाँ पे पासवर्ड डालिए, जो इसका इनके मोबाइल का जो पासवर्ड है। हो गया, हो गया, डालिए ना, आ गया है। अब यहाँ यहाँ डालिए टिप टिप टिप, ना हो गया है। अब गो स्टार्ट, अब रो छोड़ दीजिए, स्ट्रेंथ नापेगा, अपने आप हो जाएगा। इस ऑफलाइन को हमको ऑनलाइन करना है, तो फिर से जाएंगे डिवाइस नेटवर्क में, पहले पासवर्ड डालिए। स्टार्ट, वेरीफाई हो गया, रीस्टार्ट हो गया। उसके बाद ये वाला हो जाए बस, क्लिक खत्म। मतलब कि पहला जो पासवर्ड डालना है वो इन्वर्टर का डालना है, उसके बाद दूसरा वाला आपका वाला डालना है, खुद का वाला। ये वेरीफाई होने थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, इसमें टाइम टेकिंग है। वेरीफिकेशन ऑन हो गया, तो ये सक्सेसफुल हो गया, डन कर दीजिए। आपका ये थोड़ा देर में ये ऑनलाइन हो जाएगा, समझ गए।
इसका भी कनेक्टिविटी हो गया है, तीनों लाइट जल गया है, ठीक है, तीनों लाइट जल गया। ओके, अब हम फाइनली इसको रीस्टार्ट करने वाले हैं सब कुछ कनेक्शन होने के बाद, जिसमें हम पहला स्टेप करेंगे सोलर को ऑन करेंगे। सोलर ऑन कर लिए, उसके बाद हमारा वो सोलर ऑन होने के बाद डीसी हमको दिखा देगा, डीसी वाला रह जाएगा। उसके बाद ये लाइट जाने दीजिए, और बैटरी आ गया, सोलर आ गया। अब हम एसी ऑन करेंगे, एसी ऑन कर लिए, एसी ऑन हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है इन्वर्टर ऑन, इन्वर्टर ऑन किए और ये जो ऑफ दिखा रहा था वो ऑन हो गया। थोड़ा टाइम लिया है, उसके बाद हमारा बैटरी जो चार्जिंग है वो ऑन ले लिया है, 2.5 किलोवाट चला गया था। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो सोलर से कितना पावर आ रहा है, सब ले लिया। हाँ, तो जितना यूजेज कीजिएगा, लोड जैसे बढ़े आपका सोलर पावर बढ़ जाएगा। और कुछ जोड़िए, और कुछ जरूरी है और जोड़ लीजिए, जैसे कि मोटर जो भी होगा, तो फ्रिज है तो फ्रिज का जो कंप्रेसर ऑन होता है फ्रिज करने वाला, तब ना पावर बढ़ेगा। अभी तो फैन उन चलता रहता है, उससे कुछ होता नहीं है, तो जितना उतना हो देख रहे हैं। अब देखते हैं और क्या चला रहे हैं, चलिए देखते हैं। एक ये फ्रिज जोड़े हैं, दूसरा ये, और तीसरा वो, ये तीन फ्रिज जोड़े हैं सिर्फ। अब क्या जोड़ने वाले हैं, ये हार्डनर, इसमें क्या है, हार्डनर है कि कंप्रेसर है? जुड़ गया, चलने लगा, उस पर जुड़ गया क्या, सोलर पे जुड़ गया, मतलब चल रहा है यहाँ पे कुछ 5 किलो का ऊपर चला। हाँ, तो जर्क पावर तो ज्यादा रहा करता उसका, तो 5 किलो जमे करेगा, लेकिन जर्क पावर भी जो भी था सस्टेन कर लिया है ना, बस हो गया। देखिए बैटरी से ले ही नहीं रहा, लेकिन सब सोलर से आ रहा है, देख रहे हैं। बैटरी को चार्ज करने के साथ साथ लोड चला रहे हैं आपका, 3.5 किलोवाट वो चला गया। लोड चल रहा है आपका लगभग 2 किलोवाट का, और इसका जर्क पावर था 5 किलोवाट बोल रहे हैं, आपका लड़का ही बोल रहा है, ठीक है, सब सक्सेसफुली चल रहा है। 58 तक इसका जाना है, लेकिन अभी भी ये 1.25 किलोवाट से अगर चार्ज कर रहा है, मतलब ये टाइम लेगा चार्ज होने में, 58 जाने में टाइम लेगा, ठीक है। जब तक यहाँ पे लगभग पॉइंट में नहीं आ जाएगा या वाट में नहीं आ जाएगा पावर, चार्जिंग पावर, तब तक मत समझिए कि ये चार्ज हो रहा है अभी आपका, समझ गए। जो मोबाइल है मैंने आपको कनेक्ट करके दिया वाईफाई, उसमें देखिए तो क्या हुआ है, कितना दिखा रहा है, रिफ्रेश मारिए। हाँ, रुके रुके, टाइम थोड़ा टाइम लेगा, या रीसेट मारिए, फिर से लीजिए। सोलर स्मार्ट वन हो जाएगा, अपने आप ले लेगा, थोड़ा टाइम लेगा। रन दीजिए, अपने आप ले लेगा, अपने आप दिखा देगा। ये हो गया बैटरी का वाटर लेवल इंडिकेशन, ठीक है, इसको इंडिकेटर बोलते हैं। तो ये इंडिकेटर जब ये लाल पे आ जाएगा, तो समझिए कि इस सेल का, ये जिस भी सेल में है, ये एक तरह का सेल है, इस सेल का इंडिकेटर लगा है। अगर इंडिकेटर जो है ये लाल वाला, अगर इस लाल को जब टच करने लगेगा, तो समझिएगा कि इसका जो, इस सेल का जो पानी है वो खत्म हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सबका एक साथ खत्म होगा, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का कम, किसी ज़्यादा होगा। तो जिस सेल में पानी आपको कम दिखेगा, उसका आपको फील करना रहेगा, समझ गए। जैसे कि नीचे में देख लेते कहीं पे, जैसे इसका देखिए थोड़ा कम है, इसका थोड़ा कम है, बाकी किसी का ऊपर ऊपर है, तो आपको हर सेल का आपको चेक करना है, ठीक है। हाँ, जैसे देखिए उसका वो साइड वाला, वो बहुत डाउन हो गया है, मतलब उसका पानी थोड़ा कम हो गया है, अब कुछ दिन बाद उसको फिल करना है, आपको बस यही मेंटेनेंस है। नहीं, इसके एसिड और पानी दोनों का मिक्सचर आता है, बैटरी वाला जब पानी ले जाइएगा ना, तब वो दे देगा आपको। बैटरी का पानी तो हम इसमें भी डाला है। हाँ, तो वही वाला पानी डालना है आपको, और कुछ नहीं है। और इस सब गंदगी जो पड़ जाएगा उसको आपको ढक के रखना है, इसको गंदगी इसमें ना पड़े, ध्यान रखना, ज़्यादा गंदगी पड़ेगा, रस्ट पड़ेगा,
तो ये जंग लग जाएगा थोड़ा दिक्कत, हाँ दिक्कत होगा। चल रहा है और फ्री चल रहा है, अब ये ऑन करना बाकी है। अब सब ऑन कर दिया, सेटिंग कर दिया। ठीक है, इसको ऑन कीजिए था। ये कितने एचपी का है? 1.5 टन। ऑन कीजिए, चलिए चलिए देखते हैं कितना पावर लिया, कितना पावर लिया है अभी तो। कितना जल पावर, बहुत ज़्यादा हो गया था ना? 5 ही गया। 5 गया था ना? आज देखिए सोलर कितना आ गया, 5 किलोवाट चला गया। आपको जो चाहिए वो मिल गया, इसी टाइम में मिल गया। देख रहे हैं 5 प्लस हो गया सोलर। अभी मोटर भी है, मोटर डास्ट नहीं, अब इससे ज़्यादा लोड मत दीजिएगा। देख रहे सोलर 5.5 किलो चला गया। हाँ सोलर 5.5 किलो चला गया। अब 5 सोच रहे थे, 5 किलो हो गया, चला गया वो। मोटर भी सही, मोटर दे दो। मोटर कितना एचपी का है? 1 एचपी है। नहीं अब एक मत चलेगा। हाँ नहीं पावर घटेगा। हाँ? मतलब जितना बैटरी जाएगा उतना अच्छा 800 वाट का आता है। ठीक है तो उसको सेटल डाउन होने दीजिए पहले, थोड़ा सा धीरे धीरे घटता है। हाँ तो सेटल डाउन होने दीजिए, लोड बढ़ गया थोड़ा, भी स्टेबल होने दीजिए उसको। एक साथ लोड मत ऑन कीजिएगा, स्टेबल होने दीजिए। एले के इंस्टॉलेशन में ध्यान रखना होता है कि एले जहाँ पे हम जिस जगह पे रख रहे हैं वहाँ पे छत का जो रॉड वोड निकला है उससे उसका कांटेक्ट ना हो, और वायर जो कम से कम इसमें यूज कर रहे हैं वो कम से कम कॉपर का 6 mm वाला वायर हो और बढ़िया से टाइट हो, और उसको बढ़िया से प्रॉपर तरीके से छत पे रख करके उसको बढ़िया से फाउंडेशन कर देना है ताकि वो गिरे उड़े नहीं। बस मेंटेनेंस के बारे में पूछ रहे थे, तो मेंटेनेंस के करना क्या है, जैसे कि ये सोलर है, पैनल है, ठीक है, यहाँ से वहाँ अगर यहाँ अगर पानी मारते हैं तो पूरा पानी नीचे तक जा सकता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि अगर सप्ताह में 2 बार करते हैं तो बस पानी आपको थोड़ा फोर्स वाला पानी, खूब ज़्यादा फोर्स वाला भी नहीं, थोड़ा पानी मारते जाना ऐसे ऐसे करते करते ताकि पूरा पानी वहाँ से ढल जाए। उसके बाद थोड़ा देर के बाद देखना है कि सूखने के बाद देखना है कि इस पर रस्ट अभी जो धूल कण है वो बैठा ही हुआ है या ऐसे चिकना हो गया है। अगर चिकना नहीं होता है तो क्या करना है, थोड़ा सा वो कपड़ा में लत्ता बांध करके थोड़ा सा लंबा और थोड़ा थोड़ा इन्हें मार देना है, पहले गीला करके इन्हें मार देना है और फिर पानी मार देना है। इस तरह का आपको सोलर दिखना चाहिए, इस तरह का दिखना चाहिए, ठीक है। और इसमें ज़्यादा हेवी नहीं, मतलब हेवी वाला कपड़ा नहीं, हेवी वाला कोई जिससे ये रगड़ा जाए, ये ग्लास रगड़ाए नहीं, इस तरीके। हाँ उस तरह का कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा आपको यूज करना है। और रही बात कब करना है, तो या तो इवनिंग में, या सबसे बेटर टाइम होता है मॉर्निंग में, सूर्योदय होने से पहले मॉर्निंग में सबसे बेटर टाइम होता है। और अब आपका मुझे रिव्यू चाहिए, ये लोकेशन कौन सा है पहले बताइए। ये आपका आसाम मानकेश्वर डिस्ट्रिक्ट, बारापरा। और यहाँ से मेघालय कितना दूर है? मेघालय आपका होगा 10-15 किलोमीटर। 10-15 किलोमीटर मतलब बाजू में, क्योंकि हम मेघालय से होते हुए ही आए थे यहाँ पे। और मेरा सर्विस आपको कैसा लगा? आपका सर्विस मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ अभी जो आपने सिस्टम लगाया, लोड हाँ, चेक करके दिया, ठीक ही लगा। जो आपने बोला था मैं सारा चीज़ दिया आपको, हाँ। पूरा संतुष्ट करके दिया हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या लोड चलाया हमने वहाँ पे? वहाँ पे 1.5 टन का कंप्रेसर, कंप्रेसर ठीक है, और 1 HP का मोटर, 1 HP का मोटर ठीक है, और 3 डीप फ्रीजर, डीप फ्रीजर सब चल के दिखाया है। हाँ। और पूरा जर्क लोड भी सबको दिखाया है, क्या क्या लोड चलाना चाहिए, क्या क्या नहीं चलाना है, आपको कैसे कैसे रन करना है सब दिखा दिया है, सब कुछ संतुष्ट कर दिया है। चलिए धन्यवाद। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे, कृपया जो मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और इस लिखे हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इंस्टॉल करवाने के लिए या किसी भी जानकारी के जानने के लिए। धन्यवाद आपका।